हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग में लुपिन के बारे में। जी हाँ, लुपिन का शेयर काफी चर्चाओं में रहा है। लगभग पिछले हफ्ते 20% की तेजी देखने को मिली है लुपिन के शेयर में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है उसकी तेजी के पीछे बड़ी वजह, लुपिन का शेयर क्यों भाग रहा है, लुपिन की कोविड ड्रग्स क्या है, लुपिन का US बिजनेस प्लान क्या है, क्वार्टर वन नतीजे कैसे रहे और क्यों ये सबसे सस्ती फार्मा कंपनी कहलाती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लुपिन के क्वार्टर वन रिजल्ट्स की अगर बात करें तो लुपिन के क्वार्टर वन रिजल्ट्स काफी खराब रहे हैं। एस्टिमेशन जो था उससे भी काफी खराब रहे हैं। यहाँ पे हर फ्रंट पे लुपिन ने खराब ही परफॉर्म किया है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 9% कम होते हुए 3527 करोड़ रुपए का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट 60% कम होता हुआ 108 करोड़ रुपए हो चुका है। जी हाँ, ये फार्मा कंपनी है जहां सभी फार्मा कंपनी ने COVID-19 के चलते काफी अच्छा परफॉर्म किया, लुपिन ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है। इसके पीछे की वजह भी हम जानेंगे। सबसे पहले बात करें अभी इबिटा की, तो 531 करोड़ का इबिटा है जो कि 35% कम होता हुआ दिखाई दिया। इबिटा मार्जिन यहाँ पे 14.7% रहता है जो कि आप बोल सकते हैं कि कॉस्ट टू रेवेन्यू का यहाँ पे मेजर होता है। 20% था पिछले साल, 13.8 था पिछले क्वार्टर में। नेट डेट जो कि बहुत ही अच्छा फ्रंट है, 350 करोड़ की नेट डेट के साथ उनका नेट डेट इक्विटी रेशो यहाँ पे केवल और केवल 0.03:1 है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट इन R&D यहाँ पे 350 करोड़ रुपए रहे। इंडियन सेल्स डाउन बाय 2%। वहीं पे US सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21% से कम होती हुई दिखाई दी। इस पूरे क्वार्टर वन में जो अच्छी डिवीजन ने अच्छा परफॉर्म किया वो है उनका API डिवीजन, जिसे हम कहते हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आइए हम बात करते हैं मैनेजमेंट के कमेंट की। मैनेजमेंट ने बोला है कि हमारा 17% इबिटा मार्जिन का टारगेट है फॉर द FY21, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव कमेंट है और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कमेंट है। वहीं पे अगर उन्होंने ये भी बोला है कि क्वार्टर टू में, यानी अगर जो अभी जुलाई वाला क्वार्टर है उसमें उन्होंने बोला है कि उन्हें डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है एज कम्पेयर टू क्वार्टर वन डिमांड। वहीं पे उन्होंने ये भी बोला है कि क्वार्टर वन की जो परफॉर्मेंस रही वो इम्पैक्टेड बाय COVID-19 पेंडेमिक और रिलेटेड लॉकडाउन। उनके की बिजनेस इंडिया और US में अफेक्ट रहे। वी कंटिन्यू टू फोकस आवर बिजनेस कंटिन्यूटी वाइल एंश्योरिंग एम्प्लॉय सेफ्टी। वहीं पे जो सबसे अच्छी बात जो कंपनी हर बार बोलती आ रही है कि USFDA का अप्रूवल जल्द आ जाएगा, लेकिन कब आएगा इसके बारे में अभी तक कोई यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। इस पूरी खबर के बारे में हम और एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते ब्रोकरेज व्यू। HDFC सिक्योरिटीज टारगेट प्राइस 980 रुपए का है। वहीं पे ICICI सिक्योरिटीज का टारगेट प्राइस 1030 रुपए का है। मोतीलाल ओसवाल का अगर टारगेट प्राइस जानेंगे तो हम 1015 रुपए का है। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का यहाँ पे टारगेट लगभग 900 रुपए और जियोजिन BNP परिवास का भी टारगेट प्राइस 900 रुपए। KR चौकसी का यहाँ पे टारगेट प्राइस 980 रुपए। वहीं पे निर्मल बैंक का टारगेट 1016 रुपए है। आइए अब हम जानते हैं लुपिन की COVID-19 ड्रग के बारे में। कंपनी ने एक COVID-19 ड्रग लॉन्च करी जिसका नाम है कोवी हॉल्ट, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट COVID-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने में काम आएगी। इसकी कॉस्ट लगभग 49 रुपीज है। कंपनी ने बोला है कि अपने एक्सपर्टाइज को वो यूज करते हुए कम्युनिटी डिजीज को स्प्रेड करने में रोकने में मदद करेंगे और उनकी जो स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी है वो इस दवाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी को यहाँ पे DGCI यानी ड्रग एंड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो कि है उनका अप्रूवल भी मिल चुका है। आइए हम बात करते हैं USFDA, जो कि बहुत बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम पूरी बात जान लेते हैं। तो मैं आपको समझाऊं कि हर कंपनी जो कि फार्मा की कंपनी होती है उन्हें USFDA या फिर किसी भी देश में अगर अपनी दवाइयां बेचनी होती है तो वहां के ड्रग रेगुलेटर का अप्रूवल लेना होता है। और अगर हम जाने तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग रेगुलेटर USFDA है। तो कंपनी के तीन प्लांट यानी गोवा, सोमरसेट जो कि US में, इंदौर में जो एक प्लांट है, इन तीनों प्लांट में USFDA ने बैन लगा रखा है या फिर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी नेगेटिव खबर है। ये अगर हम बात करें गोवा के प्लांट की तो गोवा का प्लांट नवंबर 2017 से बैन में है। यहाँ पे OAI का मतलब क्या है, USFDA में विद होल्ड अप्रूवल्स ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस एंड सप्लीमेंट फ्रॉम द फैसिलिटी। यानी अगर आप मोटा मोटी बात करें तो इस प्लांट में जो भी दवाइयां बनेंगी वो US में नहीं बिक सकती, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि लुपिन का बहुत बड़ा बाजार US भी है।
गोवा का प्लान नवंबर 2017 से बैन में है, और वो ही एक रीजन है कि स्टॉक ने पिछले 3 साल में यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है, और यहाँ पे जो कि फार्मा कंपनी जब भाग रही थी तो यहाँ पे प्रॉब्लम लुपिन में इसी गोवा प्लांट की वजह से। गोवा प्लांट बहुत बड़ा है। आइए हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर इसमें कुछ भी पॉजिटिव आउटकम आता है तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा लुपिन के लिए। लुपिन के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल्स काफी स्ट्रांग है। ये स्टॉक अपने 20, 50, 100 और 200 डीएमए के अबव ट्रेड कर रहा है। इसका अगला रेजिस्टेंस अब 1050 रुपए का है, वहीं पे जो सपोर्ट है 950 रुपए का है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो बुलिश है, मीडियम टर्म ट्रेंड वापस बियरिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो काफी बुलिश ट्रेंड है। आइए अब हम बात करते हैं बीट द स्ट्रीट व्यू की। हमारा मानना है कि ये बहुत सबसे अंडर परफॉर्म्ड कंपनी थी जिसने जो कि निफ्टी फार्मा की है। इसने हर फ्रंट पे अंडर परफॉर्म किया है, स्टॉक के मामले में भी, जहाँ निफ्टी फार्मा लगभग 40-50% बढ़ा है, वहाँ पे लुपिन में बहुत ही कम तेजी देखने को मिली है। ये काफ़ी लो पी स्टॉक है, टेक्निकली स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट के कमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। अगर हम बात करते हैं यूएस एफडीए के अप्रूवल की, अगर वो आ जाते हैं तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इंडिया की जितनी भी फार्मा कंपनीज थी जिनके जितने भी यूएस एफडी के अप्रूवल पेंडिंग थे तो वो इस कोविड-19 पेंडेमिक में अप्रूव कर दिए गए हैं, लेकिन लुपिन एक ऐसी कंपनी जिसका अभी तक एक भी अप्रूवल नहीं हुआ है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे अब लोग बाग मान रहे हैं कि लुपिन को भी यहाँ पे फार्मा कंपनी जो की है यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल जाएगा, और जिसके चलते स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है आपको। और यही बहुत बड़ी वजह है, अगर ये अप्रूवल आ जाते हैं तो हमको लगता है कि काफी यहाँ पे कंपनी पॉजिटिवली यहाँ पे ट्रेड करते भी दिखाई देगी। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करते हैं तो कंपनी ने काफी अच्छी रैली देखने को मिली है, तो जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो अभी अपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि लुपिन की जो शेयर रैली आई है वो किसी भी ऑफिशियल न्यूज या फंडामेंटल के चलते नहीं आई है, वो केवल एक टेक्निकल या फिर आप कह सकते हैं प्राइस और वॉल्यूम एक्शन के कारण आई है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो भी अपना 1100 रुपए का लेवल आते ही अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये वीडियो यही खत्म होता है। अगर आप इसी जैसे कंपनी की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और धन्यवाद।